everyone. So in today's video, I'm going to explain about literals. In the first part of the literals, I have already explained string literals. और string literal की video अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसको I button पे link कर दूंगी. But in today's video, I'm going to explain numeric literal, boolean literal and special literal none. इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे. So let's start. सो न्यूमेरिक लिटरल क्या होते हैं? न्यूमेरिक लिटरल के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे लिटरल या फिर ऐसे कांस्टेंट जो न्यूमेरिकली हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं या वेरिएबल के अंदर हम जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाते हैं वो न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं. न्यूमेरिक लिटरल्स आर ऑफ थ्री टाइप. फर्स्ट इज इंट, सेकेंड इज फ्लोट एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स. ओके, सो तीन तरह के लिटरल्स जो हैं वो पाइथन में सपोर्टेबल हैं. फर्स्ट इज इंट. इंट क्या होते हैं? इंट होल नंबर्स, मतलब इंटीजर का मतलब होल नंबर्स को अगर आपको स्टोर करवाना है तो हम ये कहेंगे कि हम इंटीजर्स के साथ वर्क कर रहे हैं और ये साइंड इंटीजर्स होते हैं. इट मीन्स इट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू. दोनों तरह की वैल्यूज को पाइथन सपोर्ट करता है. और उस तरह के लिटरल्स हम लिखते हैं कैसे हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें होल नंबर्स कौन से हैं. -10 इज अ होल नंबर बट इट इज अ नेगेटिव वैल्यू. देन 8000, देन 45 एंड देन -450. सो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूमेरिक लिटरल्स हैं. फ्लोट लिटरल्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द डेसिमल नंबर्स. अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लेते हो बट वो आपकी एक डेसिमल वैल्यू होती है सो वो भी सपोर्टेबल है इन पाइथन. एंड द थर्ड कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो नंबर जिसके साथ हम कोई इमेजिनरी नंबर ऐड कर देते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली यूज होते हैं फिजिक्स में और कोई इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप पाइथन की हेल्प से इनिशियलाइज करवा के किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हो दैट इज पॉसिबल. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी जे. सो हियर जे इज अ इमेजिनरी नंबर एंड ए एंड बी इज अ रियल नंबर. आप इसकी जगह पे कोई भी रियल नंबर स्टोर करा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 + 4j. और इमेजिनरी नंबर अगर आप जे की जगह पे आई लिखना चाहते हो दैट इज ऑल्सो सपोर्टेबल. सो कॉम्प्लेक्स नंबर भी पाइथन के अंदर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास लिटरल आता है बुलियन लिटरल. सो बुलियन लिटरल क्या होता है? जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे जो होगी एक ट्रू और एक फॉल्स वैल्यू, उसमें ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए और फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए, तभी वो एक बुलियन वैल्यू कहलाएगी. अगर आपने टी को स्मॉल कर दिया तो वो एक बुलियन लिटरल नहीं रहेगा. ठीक है, अगर आप कभी भी किसी वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हो, बुलियन वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हो, तो उस तरह की वैल्यूज को हम बोलते हैं बुलियन लिटरल्स. ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिकल भी मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगी कि इसको आप किस तरह से वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो. सो सबसे पहले हम स्पेशल लिटरल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे. नेक्स्ट इज स्पेशल लिटरल क्या होता है? स्पेशल लिटरल हमारे पास है नन. और नन क्या रिप्रेजेंट करता है? नन रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू. इट मीन्स अगर आपने कोई एक वेरिएबल लिया है ए, आप अज्यूम करो आपने एक वेरिएबल लिया ए और आपने उस वेरिएबल के अंदर कोई भी नंबर स्टोर नहीं किया बट आपने उसको जीरो से इनिशियलाइज किया, तो जीरो को भी हम एक न्यूमेरिक लेकर ही चलते हैं. अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करो जिसके अंदर आप जीरो भी स्टोर ना करो बट आपको वेरिएबल तो क्रिएट करना है, तो वेरिएबल को आप डेटा टाइप की हेल्प से तो पाइथन में क्रिएट नहीं करते हो, पर आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो विद द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू. कोई भी वैल्यू आप उस वेरिएबल में स्टोर नहीं कराना चाहते हो. इन दैट केस यू विल इनिशियलाइज योर वेरिएबल विद नन. द कैपिटल एन शुड बी हियर. आपको एन को कैपिटल रखना पड़ेगा. अगर आपने एन को स्मॉल कर दिया तो वो क्या होगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा. ठीक है, तो जब आप ए इज इक्वल्स टू नन लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया विद नो वैल्यू. कोई भी वैल्यू हमने उसके अंदर स्टोर नहीं कराई है बट वेरिएबल क्रिएट हो चुका है. सो अब हम इस सारे वेरिएबल जो भी हमने सीखा है, जो भी लिटरल्स हमने सीखे हैं, उसका प्रैक्टिकल करेंगे. सो मैं आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पे लेके चलती हूँ. सो प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन खोली है एनाकोंडा नेविगेटर में स्पाइडर. तो स्पाइडर को के अंदर ही मैं आज वर्क करूंगी. इसमें जो हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे 1 लिखा हुआ है, ये पूरी स्क्रीन जो हमारी लेफ्ट साइड पे है दिस इज कॉल्ड एडिटर और स्क्रिप्ट मोड. और एक हमारे को राइट बॉटम कॉर्नर पे भी एक स्क्रीन नजर आ रही है दैट इज इंटरेक्टिव मोड. तो आप कहीं पे भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो. मैं इंटरेक्टिव मोड में आपको करके दिखा रही हूँ कि अगर मैंने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोर किया है 12, और मैं उसको प्रिंट करूंगी. तो प्रिंट करवा के हम देखते हैं कि वो क्या वैल्यू देता है. तो ये हमारे पास एक होल नंबर है.
अगर हम एक वेरिएबल के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर कराते हैं, जैसे मैंने अब ए के अंदर 90 स्टोर करवाया है, तो 90 को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो कैसे प्रिंट होगा? सो हम यहाँ पे ए को प्रिंट कराते हैं, सो नेगेटिव वैल्यू भी सपोर्टेबल है। अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी है तो आप ए के अंदर कोई एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। सो मैंने एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाई और अब हम उसको प्रिंट करा के देखेंगे कि ये सपोर्टेबल है। सो देखिए सपोर्टेबल है, आप किसी भी वेरिएबल में कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। नाउ वी विल स्टोर बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर दैट टी शुड बी कैपिटल इन द केस ऑफ ट्रू। सो मैं यहाँ पे ट्रू लिख रही हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली देखो कलर चेंज कर दिया, इट मीन्स ये एक्सेप्टेबल है। तो हम ए को प्रिंट करा के देखेंगे। सो ए को हम प्रिंट कराते हैं, देखिए ट्रू प्रिंट हो चुका है। आपको डबल कोट्स नहीं लगाने हैं, बट टी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद अगर आप टी को स्मॉल कर देते हो, अगर आपने यहाँ पे टी को स्मॉल किया तो देखेंगे कि क्या ये बुलियन वैल्यू की तरह रिकॉग्नाइज होता है। कलर चेंज नहीं हुआ है, बुलियन वैल्यू की तरह ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे मेरे पास एरर आ चुकी है। इट मीन्स जब आप टी को स्मॉल कर देते हो तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट बन जाता है, और नॉर्मल टेक्स्ट को हमेशा हम डबल कोट्स में लिखते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हम एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर नन को स्टोर करवाते हैं, और नन को स्टोर करवाने के बाद अब हम प्रिंट कराएंगे नन को, तो ए की वैल्यू को मतलब प्रिंट कराएंगे। तो ए को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है? नन। इट मींस एक ए वेरिएबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है पर उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अगर आप इस तरह से कुछ क्रिएशन करना चाहते हैं, कोई एक प्रोग्राम के बीच में ही आपको यूजर से वैल्यू लेनी है, बट वेरिएबल के अंदर आप कोई भी इनिशियली वैल्यू स्टोर नहीं करवाना चाहते हो, तो उस केस में आप ए इज इक्वल्स टू नन देते हो। आई थिंक आपको ये सारे न्यूमेरिक लिटरल क्लियर हो चुके हैं, साथ में बुलियन लिटरल्स, और मैंने स्पेशल लिटरल नन को भी एक्सप्लेन किया है। और मुझे लगता है ये लिटरल पोर्शन आपका आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम ऑपरेटर्स को देखेंगे। एक ऑपरेटर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।